Hello friends and very warm welcome to Chiggy's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about clinical data management careers in फार्मेसी. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे इन डिटेल बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसे ही कनेक्ट रहे. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है या जो सेक्शन है, ये फार्माकोविजिलेंस का ही एक पार्ट है और फ्रेंड्स ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए. अब फ्रेंड्स, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट फेज के जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो तो हम लोग माउस पे करते हैं और फ्रेंड्स माउस मॉडल पे ही हम लोग जो है उन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हैं. और फ्रेंड्स, फार्मा कंपनी में या फार्मा कंपनी के R&D सेक्शन में सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को करने के बाद हम लोग जो है एक नई मेडिसिन को हम लोग मार्केट में उतारते हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स को हम लोग उस मेडिसिन को देते हैं. बट फ्रेंड्स, हम लोगों का जो काम होता है वो यहीं पे पूरा नहीं होता. जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे जो फिजिशियंस होते हैं, वो फिजिशियन जो है उस मेडिसिन को जो है बहुत सारे पेशेंट्स को देते हैं और फ्रेंड्स उन सभी पेशेंट्स को उस मेडिसिन को लेने के बाद वहां पे क्या इफेक्ट हुआ है, क्या साइड इफेक्ट हुआ है, इसको हम लोगों को जानना होता है. और फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि जो नई मेडिसिन है वो कितना बैड इफेक्ट दे रही है और कितना सही इफेक्ट दे रही है लोगों में, ये हम लोगों को जानना जरूरी होता है. तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है हम लोगों को क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. और फ्रेंड्स, हम लोग जो है जो जिन भी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोगों ने जो है वो मेडिसिन दी है या फिजिशियन ने जो मेडिसिन दी है, उनसे हम लोग जो है उनके सिम्टम्स के आधार पे ये देखते हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है इस मेडिसिन को खाने के बाद. और फ्रेंड्स, अगर लोगों में उसको खाने के बाद ज्यादा साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट जो है हम फार्मा कंपनी को देते हैं. तो फ्रेंड्स, वो जो मेडिसिन होती है उसको फिर उस फार्मा कंपनी को बंद करना होता है. तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता चल गया होगा. अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें हम लोगों को क्लिनिकल डेटा मिलता है क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद. और फ्रेंड्स, इस डेटा का जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं वो हम लोग करते हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट सेक्टर में, हम लोग इसका जो है वो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं. और फ्रेंड्स, जो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट है ये फार्माकोविजिलेंस के ही अंडर में आता है. फार्माकोविजिलेंस क्या है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसका क्या काम है इसके बारे में भी मैं आप लोगों के लिए जो है एक सेपरेट वीडियो जो है चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा. बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट है. तो फ्रेंड्स, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो है उस मेडिसिन को देखना होता है कि उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, उसके क्या इफेक्ट हैं. और फ्रेंड्स, जो उसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट होते हैं उस डेटा को जो कलेक्ट करता है वो हमारा क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का ही काम होता है. और फ्रेंड्स, इस सेक्शन में जो है या इस सेक्टर में जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो उस डेटा को इकट्ठा करते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाके, बहुत सारे फिजिशियन के कॉन्टेक्ट में जाके. जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जो डेटा क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जनरेट हुआ है उसको चेक करना, उसकी एनालिसिस करना और फ्रेंड्स सिम्टम्स देखना, वह जो डेटा है उसका कलेक्शन का जो काम होता है वो इसी डिपार्टमेंट का होता है या इसी सेक्टर का होता है. और फ्रेंड्स, बहुत सारी जो कंपनीज होती है लाइक जैसे कि TCS, वो भी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का काम करती हैं और बहुत सारे जो टेंडर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फार्मा कंपनी के साथ में साइन करती हैं. और फ्रेंड्स, ये क्या करती हैं, इनके पास में खुद का अपना फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट भी होता है. तो फ्रेंड्स, इनको आफ्टर डेटा कलेक्शन उसको अच्छे से वहां पे उसकी एनालिसिस करने के बाद में उसकी जो फाइनल रिपोर्ट बनती है उसको करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती. अब फ्रेंड्स, जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, ये उस डेटा को मैनेज करके उसको वहां पे एक सही तरीके में उसको वहां पे समराइज करके फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को देता है. और फ्रेंड्स, फार्माकोविजिलेंस जो डिपार्टमेंट है वो एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट फॉर्मेशन करता है, उसका ये काम होता है आफ्टर करेक्शन. और फ्रेंड्स, जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो जो है उस
फार्मा कंपनी को भेजता है, जिस फार्मा कंपनी को जो है वो रिपोर्ट चाहिए कि कितना इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ है, कितना इसका इफेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ है तो उस फार्मा कंपनी तो वो मेडिसिन जो है वहां पे बंद भी करनी पड़ती है। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो है यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट पे आप लोगों को जॉब मिलती है, और फ्रेंड्स वो कौन कौन सी पोस्ट है, जब आप लोग एज अ फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे जाते हैं जॉब के लिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे एज अ असिस्टेंट की पोस्ट पे रखा जाता है। उसके बाद आप लोग वहां पे कुछ टाइम के बाद में एसोसिएट आप लोग वहां पे हो जाते हैं, और एसोसिएट के बाद आप लोगों को वहां पे मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। बट स्टार्टिंग में आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग वहां पे जाके मैनेजर बन जाएंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे गेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप लोगों को जो है वहां पे मैनेजर की पोस्ट मिलेगी, और आप लोगों को अच्छी सैलरी भी वहां पे मिलेगी। और फ्रेंड्स जो जो आप लोगों का यहाँ पे जो है जो काम होता है वो ये भी होता है कि फ्रेंड्स जैसे कितने लोगों ने जो है वो मेडिसिन खाई है जिसको किसी फिजिशियन ने दिया है, तो फ्रेंड्स जो मेडिसिन है जिसको हम लोग वहां पे देख रहे हैं लोगों को देके कि क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इफेक्ट हैं, तो फ्रेंड्स कितने लोगों ने उस मेडिसिन को खाया है और कितने लोगों ने उस मेडिसिन को खा के क्या क्या वहां पे सिम्टम्स बताए हैं, क्या क्या वहां पे जो है साइड इफेक्ट या इफेक्ट बताए हैं, इसकी जो लिस्ट बनती है उसको अच्छे से बनाने का जो काम है, उसको अच्छे से मैनेज करने का जो काम है वो डेटा मैनेजमेंट जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट जो सेक्शन है उसी का है। और फ्रेंड्स उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है, उसमें वहां पे कोई कोई किसी तरह से जो है ऐसा कोई पॉइंट तो वहां पे नहीं हो गया जिससे कि वो एक जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी काम की ना रहे, ये भी जो है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट सेक्शन ही देखता है। और फ्रेंड्स जो इसका स्कोप है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट सेक्टर का जो स्कोप है इंडिया के अंदर वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो क्यों खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स नई नई जो डिजीज है, नई नई जो बीमारियां हैं वो इंडिया में आ रही हैं, और फ्रेंड्स उन पे जो मेडिसिन काम करती हैं वो बहुत सारी नई नई मेडिसिन जो है फार्मा कंपनी बनाती हैं, और फ्रेंड्स बनाने के बाद जो है उसका जो फर्स्ट ट्रायल होता है वो माउस पे होता है, उसके बाद जो है ह्यूमंस को जो है दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर ये देखा जाता है कि इसको मार्केट में चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, या इसके कितने परसेंट वहां पे साइड इफेक्ट है, या कितने परसेंट वहां पे इसके इफेक्ट हैं, या पॉजिटिव इसका कितना वहां पे इफेक्ट आ रहा है। फ्रेंड्स मेडिसिन भी नई नई आ रही हैं, बीमारियां भी नई नई आ रही हैं, तो इसीलिए इस डिपार्टमेंट का जो स्कोप है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इस सेक्टर में या इस डिपार्टमेंट में अगर जॉब करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी वहां पे आप लोगों को समझ होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी आईटी कंपनी जो है वो भी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का काम करती हैं, और फ्रेंड्स यहां पे बहुत सारे आईटी जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो बीटेक किए होते हैं आईटी से उनको भी रखा जाता है, और फ्रेंड्स यहां पे उन लोगों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है जिनको कंप्यूटर की नॉलेज होती है, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज होती है, या फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर की नॉलेज होती है। और फ्रेंड्स जो सैलरी यहाँ पे होती है स्टार्टिंग में वो आप लोगों को 25,000 से 30,000 के बीच में आप लोगों को मिल जाती है, बट जब आप लोग एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे और अच्छी सैलरी मिलने लगती है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर